पिछले 5 दशक से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिकल की नई इकाई प्रदीप सेल में आपका स्वागत है। प्रदीप सेल के फर्स्ट फ्लोर पर गिरिडीह में पहला फैंसी लाइट का विशाल संग्रह, भारत के बड़े शोरूम में मिलने वाले फैंसी लाइट हार्ड फानूस अब गिरिडीह में उपलब्ध करा रहा है प्रदीप सेल। फैंसी लाइट के विशाल संग्रह में आप खो जाएंगे। वहीं पूर्वी भारत के इस बड़े शोरूम में हैवेल्स और लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर, सोलर लाइट, स्टीम लाइट जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का शानदार कलेक्शन उपलब्ध है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर का विशाल संग्रह आपके लिए उपलब्ध है। हमारे शोरूम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। आपकी सेवा में तत्पर प्रदीप इलेक्ट्रिकल स्टोर और प्रदीप सेल्स मगतपुर गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहां है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहां आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहां होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है, शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसटी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन रेजिस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एनएच 114 मोती लेदागी। शहर में 4 शाखाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइट एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवल पेजेस बरगंडा गिरिडीह। छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में झारखंड बंद का रहा व्यापक असर। नहीं चली लंबी दूरी की वाहने, सड़क पर उतरकर छात्र यूनियन ने बंद कराया बाजार। बंद को लेकर पुलिस रही चौकस। अंतर जिला बाइक चोर के 2 शातिर अपराधियों को दबोचने में पुलिस को मिली सफलता। एसटीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, कहा कि जामताड़ा में बेचे जाते थे चोरी के बाइक। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों ने समाहरणालय का किया घेराव, जनसभा का किया आयोजन, मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। और पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सबा अहमद के आवास पर हुआ दावत इफ्तार का आयोजन। सदर विधायक सहित काफी संख्या में आम व खास हुए शामिल, इफ्तार का उठाया लुत्फ। अब खबरें विस्तार से। छात्र यूनियन का झारखंड बंद का व्यापक असर गिरिडीह में देखने को मिला। इस दौरान लंबी दूरी की करीब करीब सभी वाहने बंद दिखी। वहीं सुबह से ही छात्र सड़कों पर उतरकर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम करते दिखे। हेमंत सरकार के द्वारा नियोजन नीति को लेकर लाए गए 60 से 40 के फॉर्मूले के विरोध में रांची में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ छात्र यूनियन का झारखंड बंद का व्यापक असर गिरिडीह में भी देखने को मिला। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी हद तक लंबी दूरी की वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं शहर के बाजार को भी बंद करने का प्रयास किया गया। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए व्यवसायियों ने भी कुछ देर के लिए दुकानों को बंद कर दिया। बुधवार की सुबह ही शहर में छात्रों का हुजूम सड़क पर उतरकर झारखंड बंद को सफल बनाने में जुटा हुआ था। इस दौरान छात्रों ने गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग सहित बस स्टैंड, झंडा मैदान सहित अन्य मुख्य मार्गों पर झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वाहनों के आवागमन को बाधित किया।
बंद समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए डीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी भी सुबह से ही सक्रिय दिखे। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी और जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे। शहरी क्षेत्र के प्रदर्शन के क्रम में नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने छात्रों को समझाते हुए सड़क जाम को हटाया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान पुलिस के जवान भी छात्रों के हुजूम के साथ चल रहे थे, जिसे छात्रों को किसी दुकान और बाजार को जबरन बंद करने का मौका नहीं मिला। इधर नेशनल हाईवे में प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रदर्शन के कारण काफी हद तक सवारी वाहनों और मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा। जब तक हेमंत सरकार के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन होता रहा, तब तक नेशनल हाईवे पर गाड़ियां खड़ी रही। इस दौरान डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार भी डुमरी और निम्याघाट थाना प्रभारी के साथ इलाके में गश्ती करते दिखे। सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग पिछले 3 दिनों से आंदोलन लगातार हो रही है। पहला आंदोलन जब हम लोग का मुख्यमंत्री घेरा हुआ, हमारे कुछ छात्रों को साथियों को लाठी के डंडे के बल पे उस आंदोलन को दबाने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये सरकार को पता नहीं है कि ये छात्र अब जग चुका है और छात्रों का जो हुजूम है धीरे धीरे सड़क पर उतरने के काम करेगी। उसी के लेके कल शाम को हम लोग मशाल जुलूस का भी आह्वान करके पूरे गिरिडीह में घूम घूम के गिरिडीह बंद करवाने का हम लोग ऐलान किए थे। उसी को देखते हुए आज हम लोग सुबह छात्रों धीरे धीरे सड़क पर उतर रहे हैं और ये आंदोलन अभी लगातार कुछ घंटों तक 4-5 बजे तक हम लोग को चलती रहेगी। हम गिरिडीह जिले के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के नागरिक लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम ये झारखंड बंद का जो ऐलान हुआ है उसमें सहयोग करें। आप लोग का समर्थन बहुत ही जरूरी है। आपके बेटे के लिए, आपके भाइयों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी साथ दें और हम लोग का आंदोलन एक क्रमबद्ध तरीके से अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हम लोग आज झारखंड बंद करने का ऐलान जो किए उसका हम लोग पुरजोर गिरिडीह में भी इसका असर देखने को मिलेगा और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र झंडा मैदान में एकत्रित होकर पूरा गिरिडीह बंद करवाने का काम करें। सपोर्ट मिल रहा है और कौन सा नीति के तहत ही बना रहा है? झारखंड में नियम पता ही नहीं चल रहा है। हमने तो 18 राज्यों का नियम पढ़ा, लेकिन कहीं भी 40 का नियम नहीं है। 10-90 हम लोग मांग किए हैं शुरू में, 90 जो है झारखंड का और 10 बारी का। हम लोग किसी से लड़ाई का बात नहीं है और पब्लिक का भी सपोर्ट मिला है। जैसे पीछे कितना गाड़ी लगी हुई है लाइन में, सभी का सपोर्ट है। बस हेमंत सोरेन इस सीएम है, ये समझे कि कैसे हम लोग को झारखंड को आगे बढ़ाना है, बस इतना ही बोलेंगे। विरोध में हम लोग सबको एक आगे आए क्योंकि आज झारखंड बंद है तो हम लोग को सारा कुछ दिखाना है आज, समझे। 60-40 का विरोध करना है, जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चे लोग का भविष्य ही एक साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे हेमंत सोरेन से यही मांग है कि 60-40 को जल्द से जल्द झारखंड पूरा बंदी है, पूरा रांची से लेकर के पूरा स्टेट पूरा मेरा झारखंड बंद है, क्योंकि झारखंड सरकार 60-40 का जो नीति लेके आया है ये हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोग वोट दिए झारखंड सरकार को और ये झारखंड सरकार पूरे यूपी बिहार वाले को नौकरी देने को चाह रही है, क्या मंशा है? इस तरह से नहीं चलेगा। हम लोगों को हाथ चाहिए, हम लोगों को 60-40 नहीं चलेगा। हम लोगों को ये पसंद नहीं है, कल हम लोगों क्या करेंगे बताइए? आने वाले पीढ़ी क्या करेंगे? इस तरह से चलेगा तो हमें 60-40 नहीं चाहिए। आज पूरा झारखंड बंदी है, हम लोग चाहते हैं पूरा झारखंड बंद है, इसके समर्थन में लोग करें, हम लोगों के साथ आए, पूरा दुकान बंद करें, हम लोग का सपोर्ट। बाइक चोरी करने आए जिला गिरोह के 2 छात्र अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार आरोपी में जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मजीद अंसारी और मुगदर अंसारी शामिल है। बताया कि गांडेक थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 अप्रैल को जोड़ा आम निवासी मनोज गोप की मोटरसाइकिल घर के पास से ही चोरी हो गई थी। चोरी के संबंध में प्राप्त आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए गांडे थाना प्रभारी के नेतृत्व में कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा कांड का उद्भेदन करते हुए सूचना के आधार पर एक अपराधी मजीद अंसारी को गांडे से चोरी किए गए मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके निशानदेही पर मुगदर अंसारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके घर से भी मुफस्सिल थाना से हुई बाइक चोरी बरामद की गई। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री करने वाले कर्माताल क्षेत्र के बरमुंडी के एक घर से 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल चोरी पाई गई।
हालांकि इस दौरान पुलिस को देखते ही अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। हालांकि पुलिस उक्त अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। गांडे थाना क्षेत्र के जोड़ाम में दिनांक 17/4/23 को एक मोटरसाइकिल मनोज गोप की चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में बेगावा गांडे थाना में कांड दर्ज की गई थी। और कांड दर्ज करने के पश्चात बरामदगी हेतु और कांड में संदिग्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान गिरनिया में उक्त चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मजीद अंसारी है, जो नारायणपुर थाना क्षेत्र जिला जामताड़ा का रहने वाला है। उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति और जिसका नाम मुकद्दर अंसारी है, वह नारायणपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके पास से एक चोरी किए गए मोटरसाइकिल जो फसिल से हुई थी की बरामदगी हुई। उसके बाद दोनों की निशानदेही पर एक और व्यक्ति करमाटांड क्षेत्र का रहने वाला है, उसके यहाँ पुलिस ने छापामारी की तो उनके निशानदेही पर वो चूँकि मौके से फरार हो गया, पुलिस को आते देख वहाँ से दो मोटरसाइकिल जब्त किया गया, और जिसमें से एक मोटरसाइकिल चोरी का था, एक घटना में प्रयुक्त कर रहा था, वो मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। और मजीद अंसारी के पास से एक मास्टर की बरामद किया गया है, जो मोटरसाइकिल कहीं लॉक रहता था किसी स्थान पर, उसको उससे खोल करके वह चोरी करके भाग जाता था। इस तरह से एक अंतर जिला गिरोह था जो नारायणपुर और जामताड़ा का रहने वाला, और यहाँ गांडे क्षेत्र गिरिडीह का और अहिल्यापुर क्षेत्र में और टाउन में हम फसिल में भी आकर इन लोग चोरी कर रहे थे। तो पुलिस को सूचना मिली थी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें आगे का विधि सम्मत कार्रवाई की। ये तो अपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, लेकिन ये आतंक चोर हैं इसका पता चला है। जो जामताड़ा जिला है वहाँ से इनके संबंध में डिटेल्स लिया जा रहा है। इसमें मजीद मास्टर माइंड है और एक व्यक्ति जो भागा है, तीनों ही साथी हैं, ये सब जामताड़ा जिला में। जय भारत सत्याग्रह के तहत कांग्रेसियों ने बुधवार को समाहरण न्यायालय का घेराव किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा चलाए जा रहे जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत बुधवार को कांग्रेसियों ने समाहरण न्यायालय का घेराव किया। इस दौरान समाहरण न्यायालय के समक्ष जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। मौके पर काफी संख्या में युवा महिलाएं डुमरी मुख्य मार्ग से होते हुए जिला समाहरण न्यायालय पहुंचे और गेट को जाम कर दिया। पदाधिकारी माताओं बहनों आप करें विपक्ष की बात, ये कोई वैसी बात नहीं है। किसी मुद्दे को टालने के लिए माफी दे दिया जो न्यायाधीश थे उनका तबादला हुआ। और जो हमने जनता को ये बताने का काम किया है कि आज मोदी सरकार जिस तरह से देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि देश भर में हर स्तर पर विपक्ष के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि भाजपा की कार्यशैली पूरी तरह से पीएम मोदी के हताश को दर्शाता है। वर्ष 2024 में इस सरकार का पतन तय है और देश में एक नए उजाले की किरण आई। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि यह सरकार विपक्ष मुक्त देश, सवाल मुक्त संसद और लोकतंत्र मुक्त तानाशाही का निर्माण करना चाहती है। इसी वजह से एक फर्जी मुकदमे में राहुल गांधी को फंसा कर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, ताकि एकमात्र मुखर आवाज को दबाया जा सके। तो हमारा जो कार्यक्रम था वो जिला समाहरणालय का घेराव है। मैं बताते चलूं कि ये आंदोलन हमारा पिछले 29 तारीख से लगातार चल रहा है, जिस क्रम में हमने हर पंचायत में हर गांव में नुक्कड़ सभा आयोजित करके जनता को ये बताने का काम किया कि आज किस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, इस देश को किस तरह से विपक्ष मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में आज ये हमारा सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से आज हमने समाहरणालय का घेराव किया
और आने वाली 26 तारीख को हम राजभवन का भी घेराव करेंगे। उसके बावजूद अगर ये सरकार, ये बहरी सरकार नहीं सुनती है तो हमें और बहुत सारे अन्य तरीके आते हैं कि जिससे हम इस बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा सकें। जनसभा को कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी प्रमोद सिंह, गांडे विधानसभा प्रभारी मनोज सहाय, महमूद अली खान, मनोज राय, महेश्वर इमाम, अशोक विश्वकर्मा, महेश भगत, प्रोफेसर मुकेश शाह, मोतीलाल शास्त्री, नाजू राय, रघुनंदन सिंह, मदन विश्वकर्मा, हसनैन अली, नेशाब अहमद सहित कई कांग्रेसियों ने संबोधित किया। जिला मुख्यालय का घेरा हुआ प्रदर्शन कार्यक्रम था, जिसमें राहुल जी पर जो अत्याचार हो रहा है, केंद्र की सरकार लगातार उन पर जिस तरह हमला कर रही है, इससे आज देश की जनता समझ रही है कि जानबूझकर एक ऐसे नेता जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, तो इनको कैसे रोका जाए, क्योंकि सदन में यही एक नेता है जो लगातार मोदी जी को घेरने का काम करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 30,000 करोड़ जो अडानी ने की कंपनी को जो पैसा मिला है, राहुल जी सिर्फ इतना ही तो जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी आप बताइए कि अडानी साहब का रिश्ता क्या है, अभी देश को बता दीजिए। आप जो ईमानदार की छवि लेके चल रहे हैं और अपने मित्रों को पैसा दिए जा रहे हैं, गरीबों का लोन तो आप माफ़ नहीं कर सकते। आए तो बताइए, किसान का एक लोन माफ़ किया क्या? किन गरीबों का पैसा इन्होंने माफ़ किया? बल्कि उल्टी इनके जो अकाउंट खुलाए गए और इनमें जो कमाए हुए पैसे जो आते थे, उस पैसे से इनका मेंटेनेंस के नाम पर पैसे काट लिए। तो ऐसे लोग देश की भला नहीं कर सकते हैं, और राहुल जी पर अगर ये हमला करेंगे तो कांग्रेस के लोग और इस देश। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मन पसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्ले ग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे धरियाडीह, गिरिडीह। गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा।
बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैडम इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम, ज्यादा चले हर जगह मिले कम दाम में और चार साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श मिश्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोप्राइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वहीं टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकेन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर, तो देर किस बात की है। एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल बंटी बाबू की दुकान बड़ा चौक, ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD ग्रीडी। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोदी लेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्णवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, एचडी क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लोथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ एसडी क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्णवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्णवाल फ्लेक्स, बक्सीडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगामी 20 अप्रैल को राष्ट्र कृमि मुक्त दिवस व 25 अप्रैल को मेक अप दिवस के मौके पर पूरे जिले में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्र कृमि मुक्त दिवस व मॉक अप दिवस के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए स्कूल एवं आंगनबाड़ी में अल्बेंडाजोल की गोली 1 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चों को खिलाया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बताया कि जो बच्चे राष्ट्र कृमि मुक्त दिवस पर किसी भी कारण से अल्बेंडाजोल की गोली खाने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें या दवाई मॉक अप दिवस को खिलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है। कोई तरह के जो मिस हो जाएंगे तो उसका हम लोग प्रोग्राम लगा ले रहे हैं, ताकि अधिक टैबलेट देने हैं। 2 से 3 साल के बच्चे को 1 टैबलेट देना है, छूट करके देना है, और 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 1 से 2 साल तक के बच्चे को हाफ टैबलेट, 1 साल से ऊपर 2 साल से नीचे उसको आधी गोली देनी है, छूट के देना है। सभी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में 1 साल से लेकर 19 साल तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाएंगे। इसका पर्पस ये है कि एल्बेंडाजोल हमारे पेट के अंदर जो वर्म्स होता है उसको नष्ट करने में समर्थ है, और जो शरीर में खून की कमी होती है उस खून की कमी में भी ये अच्छा साधन है दूर करने का। हमारे पूरे जिले का टारगेट लगभग 13,34,359 है, और सभी में 10% बफर जोड़ के सब जगह टारगेट के अनुसार, जैसे स्कूलों का, आंगनबाड़ी का, सब जगह दवा दे दी गई है, सभी को ट्रेन कर दिया गया है, ट्रेनिंग दे दी गई है। कल सभी को दवा खिलाई जाएगी, और कहीं अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो इसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम भी हर ब्लॉक में बनाया गया है। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो रैपिड रिस्पांस टीम है, उसके लिए प्रॉपर सलाह देगा, इलाज देगा। सामान्यतः इसकी कोई मान लिया कि किसी कारणवश अगर 20 तारीख को हम नहीं दे पाए या सभी बच्चे स्कूल में नहीं आए, मान लिया कि जहाँ के बच्चे अगर 600 बच्चे हैं 500 आए, तो 500 को दवा खिलाई जाएगी, शेष जो छूटे हुए बच्चे हैं वो 25 तारीख को दवा खिलाई जाएगी,
हो सकता है कि किसी कारणवश बहुत बच्चे नहीं ले पाए, चूँकि रमजान का महीना चल रहा है, तो हो सकता है कि 20 को हमारा टारगेट कम पूरा हो, तो शेष जो बच्चे हैं उनको 25 तारीख को दवा खिला दी जाएगी, प्लस 2 तक लिया जाएगा। ये कम से कम 19 के बच्चे कॉलेज में भी हो सकते हैं, लेकिन माह रमजान के पाक महीने में मंगलवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय सपा अहमद के आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें झामुमो विधायक सहित काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की और इफ्तार का लुत्फ उठाया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सबा अहमद के निशनपुर स्थित आवास पर मंगलवार की शाम को दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक सुदीव कुमार सोनू, धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी सहित ग्रीडी, गांडे, जमुआ, धनवार ब्लॉक से काफी संख्या में लोग शामिल हुए और इफ्तार का लुत्फ उठाया। शुक्र खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान। कैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान। नूरे रमजान, नूरे रमजान। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि रमजान हमें गरीबों का दर्द समझने और सब्र करने का तरीका सिखाता है, यह त्यौहार हमें सहन शक्ति देता है। कहा कि सभी त्यौहार को हमें मिलकर मनाना चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। कहा त्यौहार खुशियां देने का नाम है और भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां हर हफ्ते कोई न कोई त्यौहार आता है जिसे हर धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। दावत इफ्तार में डॉक्टर रियाज अहमद, अमीरुद्दीन अहमद, झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, विनय सिंह, राजीव बगड़िया, डॉक्टर विप्लव शास्त्री, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, अकलियत अध्यक्ष चांद रशीद अंसारी, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, जन कल्याण समिति के संरक्षक कृष्णा बगड़िया, सचिव इरफान आलम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इफ्तार का आयोजन किया गया, इसमें शामिल हुए समाज के तमाम वर्गों के लोगों ने इसमें शिरकत की और देश और दुनिया की भी अमन चैन की दुआ मांगी। ये रमजान का पाक महीना बरकत लेकर आए और ईद की खुशियाँ तमाम लोगों को मिले हैं, सब लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारी दावत कबूल करके यहाँ पर आए और हमारे साथ अवतार किया। अवतार तो एक बहाना था, आज 3 साल कोविड के चलते बहुत लोगों से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो ये एक बहाना था कि सबसे मिलकर सबसे अच्छे माहौल में मिला जाए, दोस्ती यारी जो पहले जैसे थी उसको फिर से कायम किया जाए। और अल्लाह का करम है कि सब लोग यहाँ आए और हम लोग सबके शुक्रगुजार हैं। आज हमारे आवास पे इफ्तार पार्टी का आयोजन था, जहाँ पे गिरिडीह ज़िले के तमाम एरिया से लोगों को दावत दी गई थी और सारे लोग आए, एक एक वर्ग से लोग आए। और रमज़ान भाईचारा और एकता का त्यौहार है और सब्र का त्यौहार है, और यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी हुई है उससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि हम लोग गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की पूरी जो सोसाइटी है सारे लोग एक साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शुक्रिया। मनरेगा के प्रखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में कई मामले सामने आए, जिसे देखते हुए ऑडिट टीम के द्वारा सभी मामलों में योजना से संबंधित फुटेज
भेजवा अन्य दस्तावेज मांगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रखंड स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण जनसुनवाई कार्यक्रम प्रखंड प्रमुख मीना देवी की अध्यक्षता में हुई। वहीं जनसुनवाई के दौरान लोकपाल तमन्ना प्रवीण, जीप सदस्य केदार हाजरा व जीप सदस्य परमिला देवी, बीपीओ सतीश कुमार सहित ऑडिट टीम के लोग मौजूद थे। पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कुछ मामलों को प्रखंड स्तर पर भेजा गया था, जिसकी आज जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें पूरे मेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के 25 पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम होना है। इस सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम में पूरे प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में मनरेगा से संबंधित होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं कई मामले में त्रुटियां भी पाई गई। मौके पर लोकपाल तमन्ना प्रवीण सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्य रूप से करणपुरा पंचायत के खट्टा बांध गांव में खाता नंबर 16 प्लॉट नंबर 23 में पुराने तालाब 60x60 को बढ़ाकर 100x100 किया गया है और इसकी पूरी राशि निकासी कर ली गई है, जिसे देखते हुए कार्य करने से पूर्व स्थल की कार्य शुरू होने के बाद की फोटो और कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटो की मांग की गई है। वहीं गोलको पंचायत में प्रकलित राशि से अधिक राशि की निकासी मामले में 37,840 रुपये की वसूली की गई है। तेलोनारी पंचायत में 4 तालाब व ढोबा निर्माण में जेसीबी का प्रयोग किया गया है, जिसका साक्ष्य पाया गया है। कहा कि कुछ मामले में त्रुटियां होने के कारण कुछ मुखिया जेई वीडियो के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई तो कहीं से हो रही है, जो बजट है वो आज किया जा रहा है और कोशिश चाहिए कि आज कोई जनसुनवाई करके ही जाए हमें, और इस बार जो कल जो गलतियाँ की हैं वो आज सुधार कर आए हैं लोग, और उसको काम करने में निष्पादन करने में हम लोग को जल्दी हो जा रहा है, कठिनाई नहीं आ रही है और यहाँ सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। खासतौर पर मीडिया पर हमारे से हमको यही दरख्वास्त होगा कि जनसुनवाई के दिन पहले आप लोग भी थोड़ा सा इन लोगों का रिव्यू ले लिया करें कि आप लोगों ने जनसुनवाई के लिए क्या तैयारी कर रखी है, तो शायद इस तहसील से और इस डर से और बेहतर आ सकेंगे इन लोग। आज हम लोग 2 दिन से यहाँ समीक्षा जनसुनवाई प्रखंड जनसुनवाई में हम लोग ने देखा कि सभी पंचायत जो है सो बारी बारी से अपना जो अभिलेख जो होते हैं कागज पत्र का जितना सब ने बहुत अच्छे ढंग से दिखा रहे हैं, और जहाँ हम लोग जूरी पैनल को अगर विश्वास नहीं होता है, जहाँ हम लोग किसी प्रकार का त्रुटि लगता है, तो वहाँ हम लोग जाँच के लिए 2-3 पंचायत में हम लोग गठन किए हैं, अपना कमेटी को गठन किए हैं और जांच हम लोग जाएंगे। कल से ही जनसुनवाई चल रहा है और जनसुनवाई में जो नियम कहता है नियम के विपरीत काम भी हो रहा है, और रोजगार सेवक पंचायत सेवक लोग अच्छे से काम करके लाए, जहाँ जिस जगह में अच्छे से काम नहीं किए हैं वहाँ पे जुर्माना भी लगा है, रोजगार सेवक को लगा है, जेई को लगा है, आई को लगा है, वीडियो को भी लगा है, वीडियो साहब को भी लगा हुआ है जहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन नियम से काम हो रहा है और बहुत सारी योजना है कि जाँच टीम बनी है, जाँच करके ही निरीक्षण करके उसका निष्पादन की। नियम 2011 और जो दिशा निर्देश झारखंड सरकार का 20-40 दिनांक 26/12/2016 के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन और जो हमारे जो गाइडलाइन है गाइडलाइन के अनुसार कुछ चीज़ों को देखते हुए गाइडलाइन में जो 192 पत्रांक और 7/12/2017 को जो जारी किया गया है इनको भी हम देख रहे हैं, और उनमें से हमको प्राथमिकता के तौर पे ग्राम सभा में जो बातें आई हैं उनको भी ध्यान से हम देखते हैं और पंचायत जनसुनवाई में जो मामले आए हैं उनको भी देखते हैं। उन दोनों मामले को संज्ञान में लेते हुए जो विधि संगत जो एटीआर तैयार किया गया है जूरी सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए आधार पर जो एटीआर तैयार किया गया एक्शन टेकन रिपोर्ट उसका हम लोग मिलान कर रहे हैं, उनमें से जो अधिकांश कई मामले ऐसे आए हैं जो प्रकरण से ज़्यादा भुगतान हो गए, कहीं कहीं काम नहीं हुआ और भुगतान हो गए, कहीं दस्तावेज में कहीं एमआर में हस्ताक्षर छूट गया, कहीं जेईई का हस्ताक्षर छूट गया। आपसी भाईचारे और खुशियों का त्यौहार ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद के त्यौहार में महज अब दो
दिन शेष रहने के कारण बाजार में काफी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बच्चे हो या युवा, पुरुष हो या महिलाएं, सभी पूरे उत्साह के साथ ईद की खरीदारी में जुटे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक ईद के अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इस दौरान जहां एक और माह रमजान के पाक महीने को लेकर लोग खुदा की इबादत में जुटे हुए हैं, वहीं ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद के त्योहारों में कुछ दिन ही शेष रहने के कारण लोग पूरे उत्साह के साथ ईद की खरीदारी में जुट गए हैं, जिसे बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। इस दौरान लोग नए नए कपड़ों व श्रृंगार प्रावधानों की खरीदारी करने के साथ ही घर के साथ सज्जा, ईद के मुख्य व्यंजन सवैया, इत्र आदि सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि भीषण गर्मी की वजह से दिन में लोग बाजार निकलने से कतरा रहे हैं, वहीं शाम होते ही बाजार में चहल पहल बढ़ जाती है। मॉल से लेकर छोटे बड़े सभी दुकानों में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के मकतपुर, कालीबाड़ी, मौलाना आजाद चौक, मुस्लिम बाजार चौक, बड़ा चौक, पचम्बा स्थित रज्जाक चौक में जाम की स्थिति बन जाती है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं व पुरुषों की माने तो ईद को लेकर वे लोग काफी उत्साहित हैं और बच्चों के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए नए कपड़े, जूते सहित अन्य सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों की माने तो इस बार ईद का बाजार जबरदस्त है, उनकी उम्मीद से अधिक खरीदारों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है। बताया कि विगत कई वर्षों में ऐसा बाजार देखने को नहीं मिला था। मीठे में सवैया खरीद रहे हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने कपड़े, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर। ईद को लेकर तैयारियां तो बहुत सारी हो रही है और ईद का बाजार बहुत ही बढ़िया है। पिछले कई सालों में इतना जबरदस्त बाजार नहीं रहा है जितना कि बढ़िया बाजार है, बहुत ही बढ़िया बाजार है। इस बार हम लोगों का बाजार बहुत ही बढ़िया, कलेक्शन भी बहुत ही बढ़िया लाया है मैंने कश्मीर फैशन मार्ट में, और कश्मीर फैशन मार्ट का बाजार तो खैर कहने नहीं, बहुत ही अच्छा बाजार चलता है हम लोगों का, बहुत ही अच्छा बाजार। इस बार ईद में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। तीन साल कोरोना काल में बहुत ही मतलब हल्का फुल्का में ईद जैसे तैसे करके लोगों ने पार किया है। ये तीन साल के बाद जबरदस्त खरीदारी चल रही है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो चप्पल जूता हो, चाहे लच्छा हो, जो भी सामान हो, सभी सामान में सब कोई पूरे खुशी से पूरे मन से लोग खरीदारी कर रहे हैं। असल में तैयारी क्या है, कोरोना काल के लेकर के दो तीन साल से तो मारामारी चल रहा था, मतलब सेल होता नहीं था। इस बार बहुत बढ़िया है रहा, मार्केट अच्छा है और जो है सो रिफाइन का भी माल तैयार हुआ है, बढ़िया माल दिख रहा है, हल्दीराम का भी माल आया हुआ है और भी सेल ठीक ही है, मोटा मोटी भी ठीक है, माल चल रहा है और रिफाइंड का माल बनाए हैं, शुगर फ्री बनाए हैं, लच्छा बगर खानी वगैरह सब बनाए हैं। रेट अभी चल रहा है वही 120 रुपये, 110 रुपये, 100 रुपये केजी चल रहा है। ईद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, खरीदारी जो है कस्टमर बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। ईद में ज़्यादातर ओरिएंटल स्मेल मतलब अरेबिक स्मेल मेरे पास ज़्यादा चलता है, जो कि कतर, दुबई और टर्की से आता है हमारे पास। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।